Good morning, childrens. Now welcome back in our videos sessions. Okay, I believe that you all are well and fine. Be at the home, be safe and be sound, and be regular with your studies. Okay, now today we are going to start our video of chapter number 7. I think you all are not able to see. Yes, this is our chapter number 7, Things Around Us. Okay. Today we are going to start our worksheet of chapter number 7, Things Around Us. So let's start from the first question. Choose the correct option. First number, all of you see. A group of cells that perform a particular function form a tissue. देखो बच्चों, हम जब पढ़ रहे थे chapter number 7 टेक्स्ट बुक से, जब मैंने आप लोगों को करवाया था, तब ये सारी बातें हमने आपको क्लियर कर दी थी कि हमारे बॉडी जो हमारी बॉडी है, हमारी ही नहीं, हमारे अर्थ पे रहने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनती है, जिसको कि हम बोलते हैं सेल, ठीक है। और ये सेल्स आपस में मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। ओके, तो डैट हैज़ बीन आस्क्ड हियर कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स डैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा टिश्यू। ओके, इसका पूरा सीक्वेंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अ ग्रुप ऑफ सेल्स डेट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यूज कम्बाइंड टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेन। ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स कम्बाइंड टुगेदर टू मेक अ ऑर्गेन सिस्टम। एंड द ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम्स कम्बाइंड टुगेदर टू मेक एन इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब हमारे बॉडी के बहुत सारे सेल्स आपस में मिल करके टिश्यू को बनाते हैं, टिश्यूज आपस में मिल करके ऑर्गेन को बनाते हैं, ऑर्गेन्स आपस में मिल करके ऑर्गेन सिस्टम को बनाते हैं, और ऑर्गेन सिस्टम्स आपस में मिल करके एक इंडिविजुअल को बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बी, अ टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 2, अमीबा एंड यूग्लिना आर। इफ यू ऑल रिमेंबर, दीज टू एग्जांपल्स आर आल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ये दोनों एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं। ओके, जहाँ पर हमने आपको सेल्स के कंसेप्ट के बारे में समझाया है, वहीं पर एक कॉलम में हमने आपको अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम के बारे में भी पढ़ाया है कि ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर केवल एक ही सेल मिलता है। डेट्स वाई ऑल द एनिमल्स दोज हु आर हैविंग अ सिंगल सेल दे विल बी कॉल्ड एज अ यूनिसेलुलर। डेट्स वाई अमीबा एंड यूग्लिना दे बोथ विल बी कॉल्ड एज अ यूनिसेलुलर। ओके बच्चों, तो ए और बी में से क्या आना चाहिए यहाँ पर? बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ग्रोथ इन द लिविंग थिंग्स। देखो बच्चों, ग्रोथ इज वन ऑफ द पैरामीटर टू फाइंड आउट वेदर द थिंग्स आर लिविंग और नॉट। ओके, द प्लांट्स विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ, ऑल द एनिमल्स विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ। नाउ इन द एस्पेक्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, देयर रिप्रोडक्शन विल बी कंसीडर्ड एज देयर ग्रोथ, एज that is their sign of living. How can I prove that the amoeba is a living being? If I will consider myself as a human being, now in my body I can observe growth. But if I will ask about the amoeba, if I will talk about the unicellular living organisms, then how I would be able to describe myself or to explain myself that amoeba is living? Okay, amoeba is having the living cell. अमीबा के पास एक लिविंग सेल होता है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई ग्रोथ तो होती नहीं है, ठीक है। तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ आपको होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ विल बी सीम्स टू ऑल ऑफ अस इन द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। उनका रिप्रोड्यूस करना ही उनका ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ग्रोथ इज वन ऑफ द पैरामीटर टू फाइंड आउट वेदर द थिंग्स आर लिविंग और नॉट, ठीक है बच्चों। तो नाउ सी, ग्रोथ इन द लिविंग थिंग्स इज इरिवर्सिबल। ग्रोथ चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल्स में हो, ये हमेशा इरिवर्सिबल रहेगा, ठीक है। फोर्थ नंबर देखो, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आर, ऑप्शन नंबर ए डिफरेंट, ऑप्शन नंबर बी सेम। आई थिंक इसका आंसर ए होना चाहिए, डिफरेंट,
बिकॉज लिविंग थिंग्स आर मेड अप फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन एज सेल वेयर एज द नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप फ्रॉम द लिविंग सेल्स. ओके, तो हर वो ऑब्जेक्ट जो लिविंग होगा और वो ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग होगा, इन दोनों के बीच में फ़र्क तो होगा ही, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगे, ठीक है ना. अब देखो, जो लिविंग होगा उसके अंदर वो अपने अंदर लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा, उसके अंदर ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है ना, न्यूट्रिशन होगा, एक्सक्रीशन होगा. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होगा. नॉन लिविंग थिंग्स में किसी भी तरह का ग्रोथ, रिप्रोडक्शन या इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी. ओके, फोर्थ का ए, डैट वॉज डिफरेंट. लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. बैक्टीरिया एंड द फंजाई आर द एग्जाम्पल्स ऑफ. बैक्टीरिया और फंजाई, ये दोनों क्या हैं, किसके एग्जाम्पल्स हैं? डिकम्पोजर्स. इफ़ यू ऑल रिमेंबर व्हेन आई हैड टॉक टू यू इन आवर चैप्टर, तो बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि ये दोनों डिकम्पोजर्स में आते हैं. और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं बच्चों? डिकम्पोजर्स आर द एजेंट ऑफ डिकम्पोजर्स आर द बायोटिक एजेंट ऑफ द एनवायरनमेंट दोज हु आर वर्किंग ऑन द डेड मटेरियल्स. ये दोनों डेड मटेरियल्स पे काम करते हैं. कौन? बैक्टीरिया एंड द फंजाई. देखो बच्चों, अभी हम सब लिविंग हैं, तो इसका मतलब क्या, बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं. बट सिंस वी आर लिविंग, हमारे बॉडी में भी इम्यून पावर है. लेकिन ये इम्यून पावर तभी तक काम करेगी जब तक कि हम लिविंग हैं. अगर मैं डेड हो जाऊँ या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर डेड हो जाए, तो उसकी अपनी बॉडी का इम्यून पावर ख़त्म हो जाता है. लेकिन एटमॉस्फेयर के बैक्टीरियाज वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं. तो उन बैक्टीरियाज का इम्पैक्ट, उन बैक्टीरियाज का इन्फ्लुएंस हमें नज़र तभी आता है जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, यूनिसेल्युलर हो या फिर मल्टीसेल्युलर हो, ठीक है. तो बैक्टीरिया और फंजाई आर द एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजर्स. बैक्टीरिया और फंजाई, ये दोनों डिकम्पोजर्स के बहुत अच्छे एग्जांपल हैं. इसीलिए हमने इनको क्लीनिंग एजेंट ऑफ द अर्थ सरफेस भी कहा हुआ है, कि हमारे अर्थ सरफेस के एक बहुत ही अच्छे क्लीनिंग एजेंट हैं. देखो बच्चों, हमारे अर्थ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है हमारे अर्थ पे. कब, कहाँ, कौन से एनिमल की डेथ हो गई, nobody can confirm and nobody would be able to know. किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किस एनिमल की डेथ कहाँ पे हो गई. अब ऐसे में किसी भी एनिमल की डेथ कहीं पर भी हो जाए, उस एनिमल को या तो स्कैवेंजर्स खा जाएंगे, और अगर नहीं खाए तो जो उसकी बॉडी बची होगी वो डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज कर देंगे. मीन्स डेड बॉडीज कभी भी हमारे अर्थ पे एक्युमुलेट नहीं होंगी. ओके, तो दीज डिकम्पोजर्स आर गिविंग अस अश्योरिटी that the living beings will not gather on the earth surface. Okay, that was question number 5. Now let's have a see question number 6. All animals fall in the category of. सारे के सारे animals fall करते हैं. किस category में fall करते हैं? That was heterotrophs. Okay, why? Because they are not capable to make their own food. They are dependent on the plant. If you all know, if you all remembered, मैंने जब आपको, आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि हमने प्लांट के दो नाम दिए हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड प्रोड्यूसर्स. सिंस दे कैन प्रोड्यूस, सिंस दे आर प्रोड्यूसिंग द फूड फॉर अस, प्लांट्स हमारे लिए भी फूड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हमने उनका नाम दे दिया है प्रोड्यूसर. और प्लांट्स अपने लिए भी फूड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हमने उनको नाम दिया है, दैट वॉज द ऑटोट्रॉप्स. द प्लांट्स आर इंडिपेंडेंट, they do not need the food of anything, any other living organisms. They are self-dependent. That's why the name autotrophs has been given to it. And as an animal, we are also getting the food from the plant only. We are not capable to fill our stomach by standing in the sunlight. ठीक है? The, all the animals fall in the category of heterotrophs. Why? Because we all are dependent on the plant. We cannot make our own food. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए.
बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड, बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग। अब देखो यहाँ पे लिविंग कौन है? एयर, क्या ये लिविंग है? नहीं है, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। एयर, क्या ये लिविंग है? नहीं। सॉयल, क्या ये लिविंग है? नहीं। बचा कौन? बी, प्लांट एंड द एनिमल्स। प्लांट एंड द एनिमल्स आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑन द अर्थ एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के सर्वाइवल के लिए, दोनों के बीच में होने वाले इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड। ए बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन आएगा भाई? याद रखना बच्चों, आप लोग जो भी ऑप्शन चूज करोगे उस ऑप्शन में दैट ऑप्शन शुड नॉट हैव एनी लिविंग बींग। वॉट एवर द ऑप्शन विच यू विल चूज फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी डी, एनी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बी सी ओ डी, वॉट एवर, दैट ऑप्शन शुड नॉट हैव एनी लिविंग बींग्स। वाई? दे हैव आस्क अबाउट द एबायोटिक कंपोनेंट्स, दे हैव नॉट आस्क अबाउट द बायोटिक, दे हैव आस्क अबाउट द एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो आई हैव गिवन द आंसर्स एयर, वाटर एंड द सॉयल। अब देखो ऑप्शन नंबर ए में प्लांट इज लिविंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द लिविंग, प्लांट्स आर लिविंग, बट यहाँ पर देखो एयर, वाटर एंड द सॉयल, ऑल द थ्री आर नॉन लिविंग, सो दे ऑल कंबाइंडली विल बी कॉल्ड एज अ एबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, चलो यहाँ पर आपका फर्स्ट पेज फिनिश हो गया, टर्न ओवर द पेज ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब देखो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, अमीबा, पैरामीशियम, ह्यूमन बींग एंड नन ऑफ दीज। इन चारों में से आपको कौन लगता है जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे? अमीबा होगा, पैरामीशियम होगा, या फिर ह्यूमन बींग्स होंगे? ऑफकोर्स द आंसर विल बी सी, दैट वॉज द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर द मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ राइट ट्रू, राइट टी फॉर द ट्रू एंड फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स वन। अब देखो बच्चों यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स आ गया, और यहाँ पर आप कुछ बॉक्सेस देख रहे हो आगे, सभी के आगे यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। ओके, उसका साइन यूज़ करना है टी एंड एफ का। फर्स्ट नंबर देखो, लीव्स ऑफ टच मी नॉट ओपन व्हेन वी टच, इज इट राइट? नो, टच मी नॉट इज़ द प्लांट। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि टच मी नॉट क्या है, तो टच मी नॉट को आप लोग आमतौर पर बोलते हो छुई मुई। इसको हमारे जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम कहते हैं इसको छुई मुई, जिसको आप टच करते हो तो इसके लीव्स बंद हो जाते हैं। ओके, तो लीव्स ऑफ द टच मी नॉट ओपन, ओपन थोड़ी होते हैं, वो तो बंद होते हैं। सो द फर्स्ट आंसर शुड बी द रॉन्ग, डैट वॉज द फॉल्स वन। ओके, तो देखो हमने यहाँ पर साइन पुट अप किया है, डैट वॉज द एफ। सेकेंड नंबर देखो, 62% ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। बिल्कुल नहीं, हमारी बॉडी में 62% वाटर नहीं होता, 70% होता है, 71%। ठीक है, मोर देन 70% ऑफ ईच सेल ऑफ आवर बॉडी विल कंटेन वाटर। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 62, सो दिस विल बी फॉल्स। ओके, थर्ड नंबर, लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड। बिल्कुल गलत बात है, लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे अर्थ पर रहने वाले सभी एनिमल्स की अब तक डेथ हो चुकी होती और वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। बट थर्ड नंबर हैज़ बीन गिवन इन द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन पैरामीटर। ओके, रिप्रोडक्शन के बारे में सोच करके ये थर्ड नंबर आपको दिया हुआ है बच्चों। मतलब थर्ड नंबर जो है वो ये कह रहा है कि लिविंग थिंग्स अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये तो रॉन्ग है, लिविंग थिंग्स आर हैविंग द राइट, दे आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स टू प्रोड्यूस द यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, द यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। जिराफ विल गिव बर्थ टू द जिराफ, एलिफेंट विल गिव बर्थ टू द एलिफेंट, हॉर्स विल गिव बर्थ टू द हॉर्स। ओके, दे ऑल आर एनिमल एंड ऑल द अपकमिंग जनरेशन विल बी सिमिलर टू इट्स प्रीवियस वन। जो आने वाली जनरेशन है जब वो इस अर्थ पर आएगी तो वो अपने प्रीवियस जनरेशन के साथ मैचअप करेगी। ठीक है ना, डैट्स वाई द ईच स्पीशीज वुड बी एबल
टू मेंटेन इट्स पॉपुलेशन ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे सभी एनिमल्स अपने अपने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करके अपना खुद का एक पॉपुलेशन जनरेट कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर बोला है कि डू नॉट हैव द एबिलिटी, सो थर्ड नंबर विल बी फॉल्स। फोर्थ नंबर देखिए, शूट ऑफ अ प्लांट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट एंड द रूट ग्रोज टुवर्ड्स द ग्रेविटी। बिल्कुल सही बात है, जब कभी भी आप किसी प्लांट को सॉइल में लगाते हो तो वहाँ से दो पार्ट निकलते हैं। ओके एक पार्ट ऊपर आता है और एक पार्ट नीचे जाता है। नीचे वाले को हम बोलते हैं रूट, ऊपर वाले को बोलते हैं शूट। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि शूट ऑफ अ प्लांट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट एंड द रूट ग्रोज टुवर्ड्स द ग्रेविटी। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। फिफ्थ नंबर देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स यूज लाइट टू ग्रो। बिल्कुल सही बात है कि मैक्सिमम प्लांट्स लाइट का यूज़ करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, बिकॉज लाइट इज नॉट एक्टिंग ऑलवेज एज अ सोर्स ऑफ डायरेक्शन, बट इट इज़ वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। देखो बच्चों, हमारे अर्थ पे सभी प्लांट्स फूड को प्रोड्यूस कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करवाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, डैट वॉज द लाइट, जिसके बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो प्लांट अपने अंदर फूड नहीं बना पाएगा। अगर प्लांट के अंदर फूड नहीं बनेगा तो प्लांट सर्वाइव कैसे करेगा? आपको फ्रूट देने की बात तो दूर की है, पहले वो खुद के लिए फूड बना ले, ठीक है? तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो डैट्स वाई मोस्ट ऑफ द प्लांट्स यूज लाइट टू ग्रो, ठीक है? लाइट मिलेगी तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा जिसके थ्रू वो खाना बना पाएंगे। चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सी नंबर। ओके ओके बच्चों, बी एट द होम, बी सेफ एंड बी साउंड। ओके एंड बी रेगुलर विथ योर स्टडीज। ओके थैंक यू।